कि यू स्वराज के कार्यकर्ताओं ने शहीद हुए किसानों को कैंडल मार्च निकालकर राजीव चौक पुवाया में दी श्रद्धांजलि। पुवाया, शाहजहांपुर। भारतीय किसान यूनियन स्वराज के कार्यकर्ताओं ने लखीमपुर में हुए हत्याकांड को लेकर पुवाया के राजीव चौक पर कैंडल मार्च निकालकर शहीद हुए किसानों को 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और मौके पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में बृजेश पांडे, विकास पांडे, बलराम पांडे, बागेश पांडे, अटल उपाध्यक्ष अमित पांडेय, सुमित उपाध्याय सनी, राकेश दिलीप, कुलदीप, उमेंदर, जैनुल हसन, अंकित विशाल, मुनेंद्र, सुबोध, कैलाश गोपाल, रमेश आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, शाहजहांपुर। इस तरह का दिल दहलाने वाला जो कांड हुआ था, जो हमारे किसान भाई जो शहीद हुए हैं, आज हमने उनको याद करते हुए सभी किसान भाइयों ने, किसान यूनियन के लोगों ने, किसानों ने मिलकर उनके सम्मान में हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, उनको श्रद्धांजलि दी है और हम लोगों ने चौराहे पर खड़े होकर 2 मिनट का मौन भी रखा। जय जवान। आप सभी लोग देशवासी सभी जानते हैं कि लखीमपुर की घटना किसी से छुपी नहीं है। किसानों की निर्मम हत्या जो मंत्री जी के द्वारा और उनके बेटे जी के द्वारा की गई है, वो बहुत ही दिल दुखाने वाली घटना है। आज हम सभी किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने, सभी किसानों ने एकत्रित होकर यहाँ पर कैंडल मार्च किया, पुवाया नगर पालिका पुवाया में। तो हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो किसान शहीद हुए हैं। बस इतना ही। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे लखीमपुर कांड में जो किसान साथी, किसान भाई शहीद हुए हैं, उनके लिए आज भारतीय किसान स्वराज के, मैं प्रदेश सचिव अटल उपाध्याय और भारतीय किसान स्वराज के तमाम पदाधिकारी व किसान कार्यकर्ता राजीव चौक पर आकर किसानों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की है। और मैं कहना चाहूँगा कि आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे और किसानों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। और जब तक बची होगी तन में खून की एक बूंद भी, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं।